गिरमिटिया, इस शब्द से अब तक हम सबका रब्ता तो बन ही गया होगा, और न बना हो तो बहुत सारी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी, फिर हम इस विषय के विशेषज्ञ भी हो जाएंगे। उस बीच में केवल इतना ही है कि ये कार्यक्रम केवल बौद्धिक विवेचना के लिए नहीं है, ये कार्यक्रम केवल दुखांत को सुनाने के लिए, जानने के लिए भी नहीं है। ये कार्यक्रम दुखांत से सुखांत की ओर हम कैसे बढ़ते हैं, स्वेद शोनित और आंसू को जोड़ कर कैसे हम इतिहास रचते हैं, उसको जानने का भी कार्यक्रम है। शुरू करियो, बहादुर आदमी है ये, देखिए जोरदार तालियों से स्वागत। आज हमें और हमारे अर्धांगिनी श्रीमती माला प्रकाश जी, हमारी बच्ची भी है विशाला प्रकाश जी, हमको यहाँ पर निमंत्रण दे करके गिरमिटिया फाउंडेशन ने हमको धन्य किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारी पीड़ा है, दर्द है, जो लोगों में आजकल जो जिसे भूल जाते हैं वगैरह वगैरह, आपने इतना अच्छी तरह से जो छोटा सा फिल्म था गिरमिटिया कहानी डेग डेग, उसमें प्रस्तुत किया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके लिए हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक तालियां। ऑल माय बेस्ट विशेस टू द गिरमिटिया फाउंडेशन एंड all my wishes that we go forward with that project of setting up a Girmitia house. Bahut bahut dhanyavad, namaskar. Jab main Girmitia shabd ko sochti hoon to meri nazar bahut door jati hai, main apne mahan purvashon se jood jati hoon, main hamesha sochti hoon ki ye itihas hamesha jeevit rahe, kyunki India ke alawa, इंडिया के रहने वाले के अलावा हम सब गिरमिटिया की बेटा बेटी इंडिया ही से है। और हमना हमरा गिरमिटिया रत्न से सम्मानित करता बोलो के हम कोटिस धन्यवाद बोलत हैं। कलकत्ता से छूटल जहाज पवरिया, धीरे चलो धीरे चलो धीरे चलो धीरे चलो धीरे चलो, कलकत्ता से छूटल जहाज पवरिया, धीरे चलो। सुंदर स्वभूमि भैया भारत के देशवासी, मोरे प्राण बसे हेम को हरे बटोहिया। आप गिरमिटिया महोत्सव में हैं, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं आपको 7 देशों के झंडे दिख रहे हैं। वो मुझे 7 देशों के झंडे नहीं बल्कि आकाशगंगा में सप्त ऋषि से प्रतीक होते हैं, जिनकी रोशनी और जिनके दिशा निर्देशन से पूरी दुनिया को एक नई दिशा मिल सकती है।